नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी। केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान विधानसभा के बजट का आमजन को इंतजार है, लेकिन कल पेश होने वाले बजट से पहले विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। सदन में विधेयक पेश कर पारित करवाए जा रहे हैं, साथ ही आज प्रश्नकाल से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो वही विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, आमजन के लिए क्या कुछ खास है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जहां सदन में सोमवार को जहां लोकायुक्त और उप लोकायुक्त विधेयक 2019 को ध्वनिमत से पारित किया गया, तो वहीं आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन में आज बिजली संकट पर चर्चा हो रही है, जहां कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल वित्त विभाग से जुड़ी 38 अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगे, तो वहीं बीडी कल्ला लोकायुक्त का 32वां प्रतिवेदन रखेंगे। साथ ही एमएसएमई विधेयक 2019 को भी चर्चा के लिए रखा जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा बजट सत्र प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई है, साथ ही सदन में आज बिजली संकट पर चर्चा की जाएगी। मंत्री धारीवाल रखेंगे वित्त विभाग से जुड़ी 38 अधिसूचनाएं, तो वहीं मंत्री बीडी कल्ला रखेंगे लोकायुक्त का 32वां प्रतिवेदन। एमएसएमई विधेयक 2019 पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जहां आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। तो वहीं इसी विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राकेश, आज विधानसभा का सत्र जारी है, जहां आज बिजली संकट को लेकर प्रश्नकाल किया जाएगा। विधानसभा में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जहां पे शांति धारीवाल ने बिजली संकट को लेकर प्रश्न रखे हैं, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल आयुषी, प्रश्नकाल के साथ में विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और 25 तारांकित और 31 के आसपास तारांकित सवाल आज के प्रश्नकाल में है। और सबसे बड़ी बात है, तमाम विभागों से जुड़े आज सवाल लिए गए, जिसमें स्वायत्त शासन है, वन विभाग है, खनन है, इसके अलावा तमाम बिजली का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। इन तमाम विभागों के सवाल आज के प्रश्नकाल में लिए गए हैं, जिनका जो है विधायकों ने सवाल अंकित करवाए थे और संबंधित विभागों के मंत्री जो है इन सवालों का जवाब देने। फिलहाल जो है बिजली संकट को लेकर की चर्चा लगातार जारी है, और साथ ही इसके अलावा एमएसएमई विधेयक 2019 भी आज सदन में रखा जाना है, और उसके बाद में चर्चा के बाद में से पारित करवाने की कोशिश सरकार करेगी। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि बीडी कल्ला के द्वारा ऊर्जा विभाग की अधिसूचना आज सदन के पटल पर रखी जाएगी तकरीबन। इसके अलावा मंत्री सुखराम बिश्नोई जो है 34वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा जैव विविधता बोर्ड की अधिसूचनाएं भी आज सदन में रखी जानी है। सबसे बड़ी बात यह कि बजट सत्र है और चौथा दिन है आज, और जिस तरीके से लगातार चूंकि दूसरे चरण का दूसरा दिन आज है और कुल मिलाकर के चौथा दिन आज है, जिस तरीके का हंगामा पहला चरण जो शुरू हुआ था उसमें जो बजरी खनन को लेकर के जो हंगामा हुआ था, किसानों के मुद्दे पर जो चर्चा हुई थी, कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष अभी तक पूरी तरह से आक्रामक है। 10 तारीख को राजस्थान का बजट आना है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं हो सकती है, क्या कुछ विशेषताएं हो सकती है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? बीजेपी के विधायकों से भी हमने कल बात की थी, और जिस तरीके से राज्य सरकार से उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी, साफ तौर पर वासुदेव देवनानी हैं, विधायक हैं, बीजेपी से पूर्व मंत्री रहे हैं सरकार में, और कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी के अंतिम कार्यकाल के अंतिम समय में जो बीजेपी की योजनाएं थी उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। तो जाहिर सी बात है, सरकार कांग्रेस की आ चुकी, कांग्रेस जो है इन योजनाओं को पूरा कराने की कोशिश करे। साथ ही व्यंग भी उन्होंने इस दौरान कांग्रेस सरकार के ऊपर
कसा था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार फंडिंग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट सारे डंप हो गए हैं, स्टैंड बाई मोड पर है सरकार इस समय। बैलेंसिंग मोड पर जो संभावना सामने आ रही है, बैलेंसिंग मोड पर पूरा बजट रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार का बजट रहा है, कोई खास उसमें ऐसा कोई प्रावधान दिया गया हो ऐसा नहीं लगता है। मध्यम वर्ग जो उम्मीद करके चल रहा था उससे भी राहत नहीं मिल पाई है। पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो जो सेस केंद्र सरकार की ओर से लगाया गया था उसके बाद में केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, और कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार के दौर में वेट कम किया गया था, 2-2% पेट्रोल और डीजल के ऊपर वेट बढ़ा दिया गया है, कुल मिलाकर के 75 के आसपास पेट्रोल पहुंच चुका है। ये जो स्थितियां हैं, अगर हम राज्य सरकार के बजट से ज़्यादा उम्मीद लगा करके चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सरकार आने के बाद से जिस तरीके से सरकार पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को लेकर के काफ़ी चिंता में है, बड़े प्रोजेक्ट खासतौर पर थोड़े दिनों पहले जिस तरीके से कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और सीएम ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि राजधानी के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, खासतौर पर मेट्रो रेल की बात की जाए, द्रव्यवती की बात की जाए, ये तमाम प्रोजेक्ट जो है जल्द से जल्द पूरे होने चाहिए, लेकिन बाकी के जो प्रोजेक्ट है, जो छोटे प्रोजेक्ट है, वो कहीं ना कहीं आज के हालात में स्टैंड बाई मोड पर है। ऐसे में आर्थिक व्यवस्था को लेकर के राजस्थान सरकार की आर्थिक व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है सरकार का जो बजट आने वाला है कोई बड़ी घोषणा हो पाएगी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बैलेंसिंग मोड पर पूरा बजट रह सकता है। सबसे बड़ी बात, किसानों के मुद्दे पर जो विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है, किसानों की कर्जमाफ़ी है, छात्रवृत्ति का मामला है, बेरोजगारों की छात्रवृत्ति का मामला है, इनको लेकर के कुछ घोषणाएँ ज़रूर सरकार कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि को लेकर के जो घोषणाएँ की थी, कहीं वो फंड अभी तक किसानों के पास में पूरा नहीं पहुंचा है। कर्ज माफी को लेकर के सूची में नाम होने के बावजूद कई इलाके ऐसे हैं जहां पर किसानों के पास में बैंक से रिकवरी लगातार आ रही है। सरकार की ओर से कर्ज माफी के आदेश दिए जाने के बावजूद, एक सीमा दिए जाने के बावजूद भी रिकवरी के इस प्रकार के बैंक के ऑर्डर आना तो कहीं ना कहीं गंभीरता के हालात हैं, और विपक्ष के हाथों में ये मुद्दा भी है। ये जो मुद्दे हैं तो जाहिर सी बात है राजस्थान का जो बजट पेश होने वाला है, संभावना पूरी है कि सरकार शायद किसानों को लेकर के कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, मध्यम वर्ग जो खासतौर पर देखिए, चुनाव के बाद में जो बहुमत कांग्रेस सरकार को मिला है, कांग्रेस पार्टी के पास में जो बहुमत आया है, बीजेपी के 163 आना और उसके बाद में कांग्रेस का 99 के आसपास आना, तो कुल मिलाकर के स्पष्टता की बात की जाए तो पूरी तरीके से सरकार यू कहेगा एक फुल मेजोरिटी के साथ में बम्पर जीत दर्ज की हो ऐसा नहीं है। सरकार पूरी तरह से दबाव में है। एक अच्छा विपक्ष राजस्थान विधानसभा में इस समय मौजूद है, जो सरकार की एक एक नीति का अवलोकन करने के बाद में कहीं ना कहीं विरोध की आवश्यकता होती तो पूरा विरोध होता है। एक दिन पहले की बात की जाए तो जिस तरीके से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने मीसाबंदियों को लेकर के जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसको लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। मीसाबंदियों को लेकर के जो मामला है, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि 1975 में जब आपातकाल लगा तो उस दौरान विधानसभा और सरकार के सहयोग से मीसाबंदियों की पेंशन शुरू की गई थी। संयम लोढ़ा के सवाल उठाने के बाद में जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया गया था, बीजेपी ने साफ तौर पर सीपी जोशी को ये बात कही और जो भाषा का प्रयोग जो हुआ था उसे रिकॉर्ड में से हटाने की मांग भी की थी और उसके बाद में आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शास्त्री नगर से लेकर के मीसाबंदियों का मामला, कुल मिलाकर के सदन पूरी तरह से हंगामेदार रहा है। बजट आना है, बजट से पहले सरकार पूरी तैयारी में है। सूचना यह भी है कि एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने खुद एसीएस के साथ में मीटिंग की है, तमाम जो वित्त विभाग से जुड़े हुए अधिकारी उनके साथ बैठक उनकी हो चुकी है। संभावना पूरी है कि शायद कुछ राहत के छींटे जरूर आ सकते हैं, लेकिन बड़ी कोई घोषणा होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। जी जी राकेश, जैसे कि आपने किसानों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया तो हमने देखा था कि विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें, जो राज्य सरकार है उनका पहला मुद्दा था किसानों की कर्ज माफी, लेकिन सरकार बनने के बाद हमने देखा कि वो कर्ज माफी समय पर नहीं हो पाई, जिसके कारण आए दिन किसान परेशान होते नजर आए। तो क्या कुछ माना जा रहा है, क्या इस बजट में किसानों को राहत मिल सकती है? देखिए अभी सबसे बड़ी बात है कि कर्ज माफी नहीं हुई हो ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। कई किसानों के लोन माफ हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ग्राउंड रिपोर्ट के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। एक आंकड़ा जो सरकार की ओर से जारी किया गया है उसके वास्तविक हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। सरकार ने जितनी भी राशि माफ़ की है सरकारी बैंकों के साथ साथ जिन तमाम बैंकों की राशि माफ़ करने की घोषणा की है, कई इलाकों में आज भी ऐसे हैं कि बैंकों की रिकवरी निकल रही है, किसानों के पास नोटिस पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के हाथ में ये मुद्दा आना, एक आंकड़ा बीजेपी की ओर से दिया गया था कि संपूर्ण कर्ज माफी की अगर बात की जाए तो राजस्थान के किसानों के ऊपर 1,00,000 करोड़ के आसपास पूरा कर्ज है और कांग्रेस सरकार का जो आंकड़ा है वो 18,000 करोड़ के आसपास बैठता है। कुल मिलाकर के ये आंकड़ों का जो डिफरेंस है, बीजेपी के पास यही मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके से पिछले
दिनों दो या तीन किसानों की मौत की खबर आई थी और उसके बाद में सोशल माध्यम पर यह चीज़ प्रसारित हुई थी कि शायद उन्होंने कर्ज माफी के चलते आत्महत्या की है, मीडिया में भी ऐसी खबरें आई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से प्रेशर में भी है, विपक्ष के हाथों में ये मुद्दे भी हैं। बजरी खनन अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि जिस तरीके से अवैध कालाबाजारी हो रही है, ये तमाम मुद्दे वो है जो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के लिए काफ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बजट को लेकर के जिस तरीके की संवेदनशीलता सरकार को जताने की आवश्यकता है, आप गौर करिएगा केंद्र सरकार के सेस बढ़ाने के बाद में जिस तरीके से वेट को दोबारा इंक्रीज किया गया, राज्य सरकार में जो वेट कम किया गया था वो वेट दोबारा से बढ़ा दिया गया। तो जाहिर सी बात है, एक अगर विचार किया जाए तो कांग्रेस की सरकार होती है और पेट्रोल के दाम अगर बढ़ाए जाते हैं तो बीजेपी सड़कों पर उतर जाती है और बीजेपी की सरकार होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सड़कों पर उतरती है। लेकिन दोनों ही सरकारों ने कहीं ना कहीं रेटों को इंक्रीज किया, तो जाहिर सी बात है आम जनता के लिए सड़कों पर उतरेगा कौन। इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार के ध्यान में जरूर होगा। जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लाने की लंबे समय से मांग चली आ रही थी लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया और शायद संभव नहीं लगता है क्योंकि मेन जो आधारशिला है विकास की, जो आधारशिला है, जो मेन रेवेन्यू एस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों से निकल करके आता है। सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के केवल आम आदमी के ऊपर ये पूरा असर पड़ने वाला ऐसा नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर बढ़ती है तो किसान पूरी तरह से प्रभावित होगा, ट्रांसपोर्ट प्रभावित होगा, खेती में ट्रैक्टर जो चलेंगे, खेती में जो इंजन काम आएंगे उनमें पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है तो जाहिर सी बात है लागत बढ़ेगी। लागत बढ़ने के साथ साथ अगर उन फसलों का ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो जाहिर सी बात है उतना दाम किसान के पास पहुंच जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में किसान की स्थिति और ज़्यादा दयनीय होने की संभावना है। ये जाहिर सी बात है बजट को लेकर के राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को कोई छूट दी जा सकती है, सब्सिडी दी जा सकती है या कहीं ना कहीं खेती के कार्यों में अगर कोई डीजल काम में आता है या संसाधन काम आते तो शायद उनको उस रेट पर डीजल दिया जाए या सब्सिडी दी जा सकती है। फसलों के दाम को लेकर के समर्थन मूल्य की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार पहले ही कुछ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा चुकी है लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से समय पर वो समर्थन मूल्य किसानों के पास पहुँच जाए ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग रोल होने वाला है। सरकार के हालात अभी तक ये है कि तमाम जो राजस्थान की मंडियां हैं वहां पर फसलों के ढेर लगे होने के बावजूद बारिश में पूरी फसलें खराब हो चुकी है लेकिन हालात अभी तक काबू में नहीं आ पाए हैं। स्थितियां पूरी तरह से ग्राउंड जीरो की अगर बात की जाए तो स्थितियां पूरी तरह से काबू में नहीं आ पाई है। जी राकेश हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ संवाददाता अतुल एहसास जी भी जुड़े हुए हैं। जी अतुल जी, गहलोत सरकार का विधानसभा में जीत के बाद पहली बार बजट पेश करने जा रही है, क्या हर वर्ग के जो लोग हैं उनको काफी उम्मीद है इस बजट से, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए राकेश, जिस तरीके से बता रहे थे कि हर वर्ग को उम्मीद तो जरूर है और बजट में हर वर्ग को उम्मीद होना लाजमी है और जिस तरीके से केंद्र सरकार के बजट के बाद में राजस्थान का ये बजट आना और राजस्थान के बजट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान का इंतजार किया जा रहा है जो कि आम जनता के लिए कहीं ना कहीं सुलभ हो सके, बहुत सारी चीजें सुलभ हो सके और राजस्थान के लिए अभी जिस तरीके से पिछले 5 सालों में राजस्थान के लिए अंदर व्यापारिक मंदी रही, व्यापारिक मंदी से पूरा राजस्थान जूझता रहा, किसानों की कर्ज माफी की बात होती रही और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राजस्थान के अंदर अभी भी वांछित रूप से यहाँ पर मौजूद है। और इस बार जिस तरीके से अशोक गहलोत से और अशोक गहलोत की सरकार से जिस तरीके से आशाएं रखी गई है, इन आशाओं के बीच में कल का बजट किस तरीके से कितना निरूपण होता है ये देखने की बात है। परंतु सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, कर्ज किसान के कर्ज की माफी की बात होगी, वेट की बात होगी, पेट्रोल डीजल के दामों की बात होगी, ये सारा सब कुछ सोचना पड़ेगा। और अगर कल का बजट अगर वाकई में राजस्थान की जनता के अनुरूप आता है तो वो कहीं ना कहीं साधुवाद के रूप में होगा। जी अतुल जी, जैसे कि आपने बात की महिलाओं की, तो महिलाओं के हमने देखा कि प्रदेश में लगातार जो महिलाओं के साथ अपराध का ग्राफ है वो लगातार प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठा सकती है सरकार? देखिए, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए कदम उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से 5 साल 4 साल 3 साल 7 साल की बेटियों के साथ जो कुकृत्य हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी पड़ेगी, राजस्थान का जो पुलिस महकमा है उसको और ज्यादा डिजिटल तरीके से उसको सक्षम करना पड़ेगा, नफरी की चीजें बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा यह है कि और भर्तियां भी बढ़ानी पड़ेगी आपको, अगर राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा अमूलचूल परिवर्तन करना है लॉ एंड ऑर्डर में तो उस भर्तियों को भी बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है पुलिस विभाग और पुलिस विभाग के अंदर वो जो खुफिया जो आज की डेट में मुखबिरी बंद हो गई है, जो खुफिया एजेंसीज बंद हो गई है, उन खुफिया एजेंसीज को बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आज जिस तरीके से आपने देखा होगा जो अभी जो शास्त्री नगर की घटना थी उसमें जो जीवाणु पकड़ में आया था जो जिसने किया था, अब आप देखिए तो उसने
फर्जी कागजों पर जमानत ले ली और जमानत लेने के बाद वो खुला घूम रहा था। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कमान कसनी पड़ेगी, और अगर ये कमान कस पाएंगे तो ये बजट के अंदर, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के एक बजट को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाना पड़ेगा। उसका जो बजट है उसको एक तरीके से आगे बढ़ा के लोगों के बीच के अंदर जो एक आम ये था कि नहीं, कहीं ना कहीं जो जो लोग ये सारी घटनाएं कर रहे हैं उसमें डर कैसे पैदा किया जाए, ये सोचने का बिंदु। जयतुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अपराध के ग्राफ को रोकने लिए कोई ठोस कदम जरूर उठाने चाहिए सरकार को। हमारे साथ राकेश भी जुड़े हुए हैं। जी राकेश, आपसे जानना चाहूंगी कि हमने देखा था कि सबसे ज्यादा उम्मीद इस बजट से कहीं ना कहीं मानी जाए तो युवाओं को भी है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा में हमने जब देखा था कि सबसे ज्यादा वोट का प्रतिशत युवाओं का रहा था, तो कैसे, किस तरह से जो युवा है उनको इस बजट के बाद राहत मिल सकती है, उनको किस तरह की मदद मिल सकती है? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी को लेकर के केवल मुद्दा राजस्थान का हो ऐसा संभव नहीं है। केंद्र में भी ये मुद्दा रहा है और चुनावों से पहले ये मुद्दा लगातार गूंजता भी रहा है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो बजट आया था उसमें साफ तौर पर FDI का जो प्रावधान किया गया है, सरकार ये मान चुकी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियाँ इतने लोगों को दी जा सके ये संभव नहीं है। और जाहिर सी बात है, FDI का रास्ता साफ किया गया है तो कहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के अवसर, रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। राजस्थान की बात की तो राजस्थान में सबसे बड़ी बात है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ की ऐसी नहीं है कि यहाँ पर कोई प्राइवेट सेक्टर के लिहाज से कोई भी उम्मीदवार बेरोजगार इस प्रकार की तैयारी करे या वहाँ जाकर के स्थिर हो सके। सबसे बड़ी बात है यहाँ का ज़्यादातर युवा गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के हालात भी काफ़ी खराब है। जिस तरीके से MBC और EWS आरक्षण को लेकर के लगातार तमाम भर्तियाँ कानूनी पेचीदगियों में उलझी रही, कहीं ना कहीं कई परीक्षाएं तो ऐसी है जिनके दो दो तीन तीन बार परिणाम जारी किए गए, हर बार पेपर आउट होने की समस्या, कुल मिलाकर के राजस्थान की एक बहुत बड़ी संस्था है RPSC जिसकी संदिग्धता को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। लगातार पेपर आउट होने के बाद में जिस तरीके से चीज़ें कहीं ना कहीं पोस्टपोन होती रही, दोबारा पेपर होते रहे, ये तमाम सवाल आते जो कहीं ना कहीं राजस्थान का युवा जानना चाहता है। सबसे बड़ी बात ये बेरोजगारी को लेकर के तमाम सरकारें तमाम पार्टियाँ दावे करती है, लेकिन आंकड़े जो है इन तमाम दावों की हकीकत को बिल्कुल साफ तौर पर बयां कर देते हैं। जिस तरीके से गौर करिएगा, EWS आरक्षण के आदेश जारी होने के बावजूद भी राजस्थान में हालात ये हैं कि तमाम जिला मुख्यालयों पर EWS प्रमाण पत्रों को लेकर के जो बेरोजगार हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। MBC आरक्षण का रास्ता साफ हो चुका है, सरकार ने देना शुरू कर दिया है, लेकिन EWS आरक्षण जो है अभी तक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र तक नहीं बन पा रहे हैं। इन दोनों के कारण जो तमाम एग्जाम हैं, जिनके तमाम जो पद हैं, कुछ पद ऐसे भी हैं जिनके एग्जाम हो चुके हैं, उनके परिणाम जानबूझकर के रोके गए ताकि इनमें जो आरक्षण के हकदार हैं उनको आरक्षण दिया जा सके। अभी तक कई परीक्षाएं तो ऐसी भी हैं जिनको हुए तकरीबन 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं आया है। RS परीक्षा का प्री का एग्जाम नहीं आया है, मेन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर के जो मॉनिटरिंग वाली बात है, वो मॉनिटरिंग वाली बात अभी तक पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाई है। सरकार को देखना होगा, क्योंकि युवाओं को सरकार बदलने के साथ ही बहुत सारी उम्मीदें भी होती है, शायद नई सरकार उनकी बात सुनेगी। हाँ, सरकार ने ये चीज़ अच्छी की, पंचायत सहायकों को लेकर के जो सवाल लगातार खड़े हो रहे थे, कार्यकाल उनका बढ़ा दिया गया है, कुछ राहत उन लोगों को जरूर दी है। लेकिन सरकार को यह भी चाहिए, RPSC जो अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है और कहीं ना कहीं एक युवा जो अभ्यर्थी है RPSC के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करता है और ये सोच करके एग्जाम देता है कि शायद उसका। जी, फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल यानी कि 10 जुलाई को गहलोत सरकार का बजट पेश होने जा रहा है। हर वर्ग के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, चाहे बात करें राज्य के युवाओं की या फिर महिलाओं की, काफी सभी लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ सरकार इन लोगों के लिए कर पाती है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।